आंग्लिश इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस और चीन और इटली में मुश्किल से एक जाकर के ईसा मसीह पैदा हुआ, एक कन्फ्यूशियस पैदा हुआ, एक लाओस से पैदा हुआ, एक सुकरात पैदा हुआ, केवल चार व्यक्ति पैदा हो सके। पूरा चीन में एक लाओस से के अलावा कोई पैदा ही नहीं हो सका। पूरा यूनान में एक मेगस्थनीज के अलावा कोई पैदा ही नहीं हो सका। बार बार महापुरुष पैदा नहीं होते, बार बार धरती इतनी तपस्या कर भी नहीं सकती। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि यह जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व हो, और यदि उसने इसलिए शब्द लगाया कि जीवन का एक सौभाग्य मिले, जीवन का एक अहोभाग हो, एक जीवन का अहोभाव बने, हमारे जीवन में कोई चिंतन बने, एक विचार बने, वह आदमी को समझा सकता है कि इस अहम का परित्याग करने पर वह एक चेतना दे सकता है, वह तुम्हें गाली भी दे सकता है, वह तुम अगर पिछड़ते हो वापिस, वह अगर शिष्य बिल्कुल नीचे की ओर अग्रसर होता है तो वापिस पकड़ करके ऊपर लाने की क्षमता रखता है। शिक्षक नहीं रख सकता, धर्म गुरु भी नहीं रख सकता। इसलिए गुरु, सदगुरु और धर्म गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए तीन शब्द अलग अलग बने, बाकी एक शब्द से भी चल सकता था। धर्म गुरु तो केवल तुम्हें सत्यानाश करने के लिए बने हैं, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और बर्बाद कर दिया है। पूरा संसार यदि संतुष्ट है, दुखी है, तो धर्म गुरुओं की वजह से है, क्योंकि धर्म ने, उस धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं, तुम हिंदू हो, कुरान अपने घर में नहीं रख सकते, तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, तुम जामा मस्जिद में जाकर के वजू नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम बुद्ध के धम्मपद को नहीं पढ़ सकते, तुम्हें केवल गीता को बार बार पढ़ना, उस 18 अध्याय को एक से लेकर के बार बार, हे अर्जुन ऐसा कर, हे अर्जुन ऐसा कर, 25वीं बार भी हे अर्जुन वैसा कर वैसा कर, धर्मगुरु ये कहते हैं। और धर्मगुरु ये कहते हैं कि तुम केवल इस गंगा जल में स्नान करते रहो और फिर डुबकी लगाओ, फिर बाहर निकलो, ये करो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास केवल पाखंड है, वो तुम्हें पाखंड दे सकते हैं। उनके पास केवल छल है, उनके पास केवल शब्द जाल है, वो तुम्हें शब्द जाल दे सकते हैं, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार ग्रस्त की ओर अग्रसर करेंगे, बार बार उसमें तुम्हें फंसाएंगे, बार बार भोग की ओर प्रवृत्त करेंगे। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे महाभारत पढ़ लीजिए, उन सारों में एक ही तथ्य बार बार स्पष्ट उल्लेख है कि यह युद्ध हुआ नारी की वजह से हुआ। रामायण बनती नहीं बेचारी, अगर सीता नहीं होती और सीता का हरण नहीं होता और ये स्त्री नहीं बनती तो रामायण की रचना होती नहीं। न रावण आता, न सीता को उल्टे जाता, न रावण को मारते, न राम जी को दुख होता, न इतनी 4000 दिन प्रश्नों का ही बनता। सारा 4000 पृष्ठ इसलिए तुलसीदास जी को रंगने पड़े कि सीता बिचारी पैदा हो गई गलती से। और अगर द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत तो होता ही नहीं, 18 दिन तक क्यों लड़ते, क्यों युद्ध करते। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सीता का मुंह देखना जरूरी नहीं, द्रौपदी का नाम लेना ठीक नहीं, बस तुम भगवान का भजन करो, राम राम करने के अलावा कुछ नहीं। ये धर्मगुरु, इसलिए मैंने कहा कि जहां तक तुम्हें धर्मगुरु मिले वहां बचने की जरूरत है। धर्म तो जो धारण करने की शक्ति है, जो तुम धारण कर सकते हो, धारयति सधर्म, जो तुम धारण कर सको। अगर मानवता का धर्म धारण कर सको तो मानवता तुम्हारा धर्म है। अगर चैतन्यता प्राप्त कर सको, अगर अपने हृदय को विकसित कर सको तो वह तुम्हारा धर्म है। धर्म को हिंदू ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। जिनको तुम धर्म शब्द से उपेक्षित कर रहे हो वह धर्म नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है, यजुर्वेद में नहीं आया है, उपनिषदों में कहीं नहीं आया है, न मुस्लिम संप्रदाय आया है, न हिंदू संप्रदाय आया, न बौद्ध धर्म संप्रदाय, न चैतन्य संप्रदाय, कुछ नहीं आया है उन ग्रंथों में, नहीं है। ये हमने बाद में अपने आप के कटघरों में बंद कर दिया है, और जहां हमने बंद कर दिया वहां हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, वहां आगे पढ़ने की श्रुति खत्म हो गई। मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या चीज है, और नहीं समझ में आएगा तो मैं कैसे तुलना कर सकूंगा कि इस हिंदुत्व में इस्लाम में क्या अंतर है। अगर मैं धम्मपद नहीं पढ़ूंगा तो बुद्ध को मैं कैसे समझूंगा, और बुद्ध को नहीं समझूंगा तो एक बहुत बड़े ज्ञानी से मैं वंचित हो जाऊंगा। फिर पृथ्वी ने जो 1000 साल तपस्या करके बुद्ध को पैदा किया, वह पृथ्वी साल 1000 साल तपस्या बेकार गई उस पृथ्वी की। मुझे बुद्ध को भी समझना पड़ेगा, मुझे सुकरात को भी समझना पड़ेगा, मुझे ईसा मसीह को भी समझना पड़ेगा, मुझे अपने आप को भी समझना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो तब बनेगा। इसलिए अहम का दूसरा शब्द है कि मैं अपने आप को समझूं। उस अहंकार को छोड़ करके जब मैं अपने आप को समझूंगा, और संसार में सबसे कठिन क्रिया अपने आप को समझने की है। हम दूसरों को आसानी समझ लेते हैं क्यों, उनके प्रति हमारी धारणा बन जाती है। अब मैं कह सकता हूं ये मेरा पड़ोसी बहुत बदमाश है, सारा चोर है, उचक्का है, मुझे कहने में कोई संकोच है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया उस कह दिया। और ये लड़की बहुत दुष्चरित्र है, रोज मैं इसको गली में आते जाते देखता हूं, ये अच्छे घर की लड़की नहीं है। दूसरों के बारे में कमेंट करना जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद और जीवन का बहुत बड़ा सुख की बात है। अपने आप को नहीं समझ सकते,
और इसीलिए उस शंकराचार्य का अहम, उस अहम को छोड़ करके जब मैं अपने आप को समझने की कोशिश करूंगा और अपने आप को समझने की क्रिया के लिए पूर्ण ब्रह्माष्टमी, अहम ब्रह्माष्टमी, यहां अहम ब्रह्माष्टमी कहते हुए शंकराचार्य यही नहीं कह रहे कि मैं बहुत घमंडी हूं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वहां कृष्ण को घमंडी नहीं है। अर्जुन को ये नहीं कह रहे तू सब छोड़ दे मेरे पास आ जा, वो कह रहा है तेरे पास जो अहम है, जो कुछ छल है, झूठ है, कपट है, अगर मैंने तुझे यहां नहीं रोका तो तुम कौरवों की तरह वापस बन जाएगा, अगर मैंने तुम्हें यहां नहीं रोका तो तुम्हारा सारा ज्ञान सारा चिंतन समाप्त हो जाएगा। जहां बुद्ध कह रहे हैं कि कुछ नहीं है जिंदगी में, अगर है तो मैं हूं, तो मुझे समझोगे तो तुम अपने आप जीवन को समझ लोगे। यहां बुद्ध का कोई घमंड नहीं बोल रहा है, बुद्ध इसलिए समझा रहा है शिष्य को कि उन शिष्यों में ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, उनमें आग नहीं है, उनमें चिंगारी नहीं है, समझने की क्रिया नहीं है, उसमें अहम है, उस अहम को तोड़ने के लिए ऐसी क्रिया कर दी जा रही है। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि तुम उस ब्रह्म को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उस ब्रह्म में और भ्रम में बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। जहां ब्रह्म में पड़े वहां ब्रह्म समाप्त हो जाएगा, जहां अपने आप को हम समझेंगे नहीं वहां ब्रह्म को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए जहां बुद्ध ये बात अपने धम्मपद में प्रारंभ में, जहां प्रारंभ की लाइन कह रही है उनका आनंद उनका प्रिय आनंद, अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे सारे जीवन का निचोड़ तुम्हें देखना है कि मैं जीवन में क्या था और क्या बना और कहां, तो तुम फिर मुझे केवल मुझे समझो और कुछ समझने की जरूरत नहीं। इसलिए उनमें एक करुणा है, इसलिए उनमें एक ममता है, एक स्नेह है, एक अटैचमेंट है, एक प्यार है, और इसीलिए धर्मगुरुओं ने इन सारे तथ्यों को समाप्त कर दिया और हमारा जीवन एक जड़ बन गया। क्यों जड़ बन गया, हमें क्यों नहीं चेतना पैदा हुई, हम ऋषियों की संतान, विशिष्ट विश्वामित्र की संतान, और हम जड़ बन गए, बिल्कुल एक पंगु बन गए। इसलिए बन गए कि हमारे ऊपर एक प्रहार किया गया, उन धर्मगुरुओं ने प्रहार किया हमारे जीवन की। आज मुझे एक पत्र लिखा, उसने लिखा कि क्या हम स्त्रियां ओम शब्द का उच्चारण कर सकती हैं, और क्या हम स्त्रियां महावीर की उपासना कर सकती हैं, और क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, किसी महिला ने लिखा, और बेचारी को गलत नहीं लिख रही थी, क्योंकि धर्मगुरुओं ने कहा कि तुम हनुमान जी के पास नहीं जा सकती, हनुमान जी के सामने नहीं बैठ सकती, हनुमान जी इतने कायर बुजदिल हैं कि तुम जाती हनुमान जी भाग जाएंगे, क्या हो जाएगा हनुमान जी को, तकलीफ क्या हो जाएगी, जब मैं नहीं भाग सकता तुम्हें देख करके, तो हनुमान जी तो मुझसे ज्यादा ताकतवान होंगे, ज्यादा क्षमतावान होंगे, उन्होंने तो पूरा द्रोणाचार्य पर्वत को उठा दिया था, फिर क्यों घबरा रहे हैं हनुमान जी तुम्हारे पास जाने से। पर धर्मगुरु के नहीं, अगर तुम चली गई, अगर स्त्री शिक्षित हो गई, तो उनका स्वयं का अहम समाप्त हो जाएगा, उन धर्मगुरुओं का जो अहम है, जो ईगो है, जो उनका, और ये सारे ज्ञान के ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ, मैं वेद पुराण की बात नहीं कर रहा, ये जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए सब पुरुषों ने लिखे, स्त्रियों ने बिचार लिखे, पुरुषों ने लिखे, तो पुरुषों ने अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरे भारतवर्ष की 1 अरब जनसंख्या का 50% तो बिल्कुल त्याज्य कर दिया कि नहीं औरत नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं पढ़ सकती। हरिद्वार में कई ऐसे आश्रम हैं वहां स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती। हमारा जीवन कितना, धर्म ने कितना हमें जकड़ दिया, और ये सारा उन धर्मगुरुओं के, उन व्यक्तियों का अहम बोल रहा था। अगर तुम स्त्री को हनुमान चालीसा पाठ नहीं करने दे रहे हो तो तुम्हारा अहम है कि स्त्री को अगर थोड़ा भी सुनता दे दी तो हमसे वे ज्यादा सेंसिटिव हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, स्त्री ज्यादा ज्ञानवान होती है, स्त्री बात को तुरंत भांप लेती है, तुरंत पहचान लेती है, पुरुष तो नहीं समझ पाता, क्योंकि पुरुष की पुरुषता है, कठोरता है, और कठोर व्यक्ति उसके अंदर एक रसधार प्रवाहित नहीं हो सकती। पुरुष एक चट्टान की तरह है तो स्त्री एक जलधार की तरह है, और कितनी भी कठोर चट्टान होगी बराबर जलधार पड़ेगी तो चट्टान को काट लेगी, चट्टान को काट सकती है, इतनी उसमें रसधार है, जल की धार में ताकत है, मगर जलधार को ऊपर से बंद कर दिया कि नहीं तुम्हें केवल चूल्हा चौका संभालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तुम्हें राम का नाम नहीं लेना है, तुम हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती, तुम राम जी का नाम नहीं ले सकती, तुम्हें पूजा पाठ करना नहीं है, तुम्हें उपासना नहीं करनी है, तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, तुम देवी इंद्रिनी चामुंडा विचे नहीं जप सकती।
और ये तुमने नहीं कहा, ये तुमसे 4000 साल पहले भी ऋषियों ने ऐसी बात कह दी, क्योंकि ऋषि पुरुष थे, ये उनके जीवन की विडंबना थी, ये जीवन की कमियां थी, ये जीवन की व्यवस्थाएं थी उनको। इसलिए हमारा धर्म शब्द बिल्कुल एक अलग चीज है, ज्ञान चेतना हमारी चीज अलग है। जहां शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन की विडंबना है, और संन्यास जीवन की एक विडंबना थी, शंकराचार्य की लिमिटेशन थी। शंकराचार्य ने जीवन का एक अद्वितीय पक्ष हमारे सामने रखा, पर जीवन का एक अंधकार पक्ष भी उनके सामने रहा कि उन्होंने अपने जीवन में स्त्रियों को शिष्य बनाया ही नहीं। इसलिए नहीं बनाया कि अगर स्त्रियों को शिष्य बना दिया गया तो अपने आप में मेरा संन्यास धर्म खंडित हो जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े अभाव की, एक बहुत बड़ा चेतना समाप्त कर दी, एक ज्ञान का पुंज समाप्त कर दिया, एक बहुत बड़ा प्रवाह बंद कर दिया, और उसका परिणाम 2500 वर्षों तक भुगत रहे हैं। शंकराचार्य की न्यूनता थी। क्यों न्यूनता थी? शायद उनके जीवन में एक भावना, एक चिंतन आ गया कि सन्यासी स्त्रियों के हाथ का खाना नहीं खाते। उन्होंने नहीं खाया, स्त्रियों के हाथ का खाना नहीं खाया, हाथ से बना करके रोटी खाते थे। एक स्त्री रोटी बना के खिला दे, एक सन्यासी हाथ कर रोटी खा ले, तो उसमें उस रोटी में क्या अंतर आ जाएगा? मैं शंकराचार्य को भी यही प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? मगर ये उसके जीवन का ईगो था, एक अहम था, जहां मैं अहम शब्द बोल रहा हूं। इसलिए जब वहां बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए इस अहम को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर ये अहम नहीं तोड़ा तो फिर हम एक बार फिर अगले 2500 वर्षों तक, अगले 2000 वर्षों तक, फिर 1000 वर्ष तक पृथ्वी तपस्या करके एक और व्यक्ति पैदा नहीं कर पाएगी, फिर इस भ्रम को नहीं तोड़ पाएगी। ये भ्रम ज्यों का त्यों 1000 वर्ष तक चलाता रहेगा। इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है, उनको इक्वलिटी देनी जरूरी है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल और 100% निश्चित है कि जीवन में अगर ब्रह्म की साधना करनी है, जीवन में अगर जगदम्बा के दर्शन करने हैं, जीवन में अगर उस मन पक्ष पर और आत्म पक्ष पर पहुंचना है, तो पुरुष को स्त्रियों के गुण प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अगर बिना स्त्रियों के गुण प्राप्त किए पुरुष उन आत्म चेतना को प्राप्त कर ही नहीं सकता, ब्रह्म नहीं बन सकता, ठूंट बन सकता है, एक जड़ बन सकता है, एक चेतनाहीन बन सकता है। क्योंकि स्त्रियों के गुण है दया, प्रेम, करुणा, ममत्व, स्नेह, अटैचमेंट, मातृत्व, एक भावना, एक हृदय पक्ष। पुरुष बुद्धि से सोचता है हर क्षण एक ही बात, स्त्री भावना से सोचती है, अपने हृदय पक्ष से सोचती है, क्योंकि वह उस पीड़ा को जानती है, उस दर्द को एहसास कर सकती है कि एक पुरुष उत्पन्न करने में उसको कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी वेदना। मैं सोचता हूं संसार का सबसे घोर कष्ट उसको भोगना पड़ता है 9 महीने। पुरुष उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, पुरुष दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसलिए अत्याचारी बन सकता है, इसलिए गालियां दे सकता है, इसलिए बुरा भला कर सकता है, इसलिए जीवन में कठोर बन सकता है। और कठोर बनना जीवन की न्यूनता है, अहम है। उस अहम को तोड़ने के लिए उस कष्ट को एहसास करना पड़ेगा, उस अहम को तोड़ने के लिए उस ममत्व को, उस प्रेम को, उस दया को अपने अंदर स्थापन करना पड़ेगा। और ये गुण तो पुरुष के नहीं है, और अगर पुरुष में ये गुण नहीं आए तो बुद्ध नहीं बना जा सकता। बुद्ध की आंखों में एक करुणा देखेंगे, एक दया देखेंगे, एक विशाल करुणा का सागर आंखों में तैर रहा है, और ये करुणा सागर पुरुष में नहीं बन सकता। पुरुष तो चंगेज खा बन सकता है, औरंगजेब बन सकता है, कंस बन सकता है, रावण बन सकता है, विधर्मी बन सकता है, अत्याचारी बन सकता है, क्योंकि पौरुषता से ही पुरुष बनता है। अगर कोई लुंज पुंज तुम्हारा पति हो, बहुत ढीला ढाला हो, अच्छा तुम चलो, अच्छा चलता, अच्छा बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, तो तुम मन में सोचो कि साला क्या साला आदमी है, साला गया भी था, अब तुम कुछ करो नहीं, माँ बाप ने पल्ले पकड़ दिया, पटक दिया, मगर तुम उसके प्रति एक पति भाव रख ही नहीं सकती, है ही नहीं। क्योंकि पति एकदम से होना चाहिए एक चट्टान की तरह मजबूत, क्षमता वहां एक होना चाहिए कि उसके ऊपर प्रत्येक स्त्री तुम में से जितनी बैठी जो भी संसार है, प्रत्येक स्त्री चाहती है कि पति मेरे ऊपर प्रहार करे, जबरदस्ती करे, मैं बाहर जाना चाहूं वो रोके, स्त्री चाहती है वह मुझे रोके, मुझे कहे नहीं तुम्हें नहीं जाना है, इससे बड़ी खुशी होती है कि कोई है मेरा जो मुझे रोकता है। अगर नहीं रोके तो सोचते कि इस पति का क्या है, जाती हूँ, अच्छी मर्जी है चली जा, अच्छा मैं शाम को आऊंगी, अच्छा शाम को, किशन लाल जी कितने मजबूत है, वो उनकी पत्नी एक इंच नहीं हिलती, अगर किशन लाल जी नहीं कहते हिल नहीं सकती, और तुम कैसे आदमी ढीले डाले, उसके अटैचमेंट नहीं बन सकता। इसलिए पौरुषता से तो पति बनता है, पुरुष बनता है, मगर पौरुषता साधना के क्षेत्र में कोई सफलता नहीं दे सकता। साधना के क्षेत्र में तो अपने आप में एक हृदय पक्ष खुला होना चाहिए, हृदय पुरुष के पास होता ही नहीं। पुरुष के पास केवल बुद्धि होती है, उसके पास केवल कठोरता होती है, उसके पास केवल प्रहार करने की क्षमता होती है, और वो प्रहार करके बहुत खुश होता है। वो अगर पत्नी को गाली देता है तो मन में बहुत संतुष्ट भाव करता है कि मैं कुछ हूँ, तो गाली दे सकता हूँ, साली कर ले जो कुछ करना है, तो रान बदमाश है और है।